नमस्ते, आई एम प्राची मिश्रा, मिस इंडिया अर्थ 2012। मैं हमेशा से पर्यावरण की सुरक्षा में अपना योगदान देना चाहती थी और इसी सोच में सहयोग देता है प्रोजेक्ट चिराग। ये भारत के उन गांवों को रोशन करते हैं जहां पर लोगों के पास बिजली नहीं है। उन घरों में जाकर वो एक सोलर पैनल, एक ट्यूबलाइट और एक सोलर लैंटर्न देते हैं और अपने इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम पहुंचे एक छोटे से गांव चिंचपाड़ा, जो मुंबई से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत ही ज्यादा मुश्किल रास्ता था, कच्ची सड़क थी, यहाँ पे जाने के लिए बहुत ज्यादा मठ था पूरे रास्ते में और चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। अगर दिन के उजाले में इस जगह पे चलना इतना ज्यादा मुश्किल है तो रात में यहाँ के लोग किस तरीके से यहाँ पे रहते होंगे और किस तरीके से अपने रोजमर्रा के काम को करते होंगे। लाइट नहीं है तो रात में खाना कैसे बनाते हो? बत्ती, दिया। कभी कोशिश करी बिजली लाने की यहाँ पे? कहीं गए? हाँ किया ना, ये तलाटी ग्राम सेवक को कितनी बार बोला, वो टेंशन लेते हैं हम लोग को। नहीं नहीं देते हैं। हाँ। तो इसके सारे पढ़ाई, खाना बनाना, सारा काम अंधेरे में इससे हो जाता है। हम बगैर इलेक्ट्रिसिटी के एक दिन नहीं गुजार सकते और यहाँ पे ये बगैर लाइट के अपनी सारी जिंदगी गुजार चुके हैं आज तक। इसकी वजह से मुझे और ज्यादा खुशी हुई कि आज हम शायद इनको कुछ एक बहुत बड़ा चेंज दे करके जाएंगे। घरों में जाकर के गांव वालों से मिलने के बाद, उनकी रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स को जानने के बाद हमने अपना एक्शन प्लान स्टार्ट किया। सोलर पैनल को पहले छत पे जाके इंस्टॉल करते हैं। छोड़ू? जाओ लेके जाओ ऊपर, अभी लगा के हम अंदर से बताते हैं आपको। सोलर पैनल लगाना बहुत ही आसान था, हमें सिर्फ 20 ही मिनट लगे उन्हें इंस्टॉल करने में और बस दो ही लोगों की मदद से काम पूरा हो गया। लग गया ठीक है। आई रियली विश दैट दिस विल बी द लास्ट डे फॉर दीज विलेजर्स टू यूज दिस केरोसिन लैम्प एज अ सोर्स ऑफ लाइट एट नाइट एंड आई एम रियली प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस चेंज। दादी पकड़ो, जलाओ। हाँ, आई थिंक अपनी ज़िंदगी के शायद 50 साल के बाद उन्होंने अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी देखी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और ऐसा लगा कि हाँ मैंने कुछ ऐसा काम किया है जो शायद इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएगा। आज 21st सेंचुरी में भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जैसी कोई चीज़ भी नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं सबके चेहरे पर तो नहीं लेकिन हाँ उनमें से कुछ के चेहरों पे खुशी लेकर आ सकी और मिस अर्थ कप क्राउन जीतने के बाद मैं इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहूँगी और चाहूँगी कि मैं अपने देश के हर घरों में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आज नहीं है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकूँ और अपने देश को एक नई ऊँचाई पर ले जाऊँ। I am Prachi Mishra, Miss Earth India 2012. I am a woman of the earth.